तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, द फिट राइडर। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने हिंट दी थी कि अपनी जो नई मॉडिफिकेशन है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। एज यू गाइस कैन सी कि हमारा जो पार्सल है वो हमें आज डिलीवर हो चुका है, इन विच वी हैव गॉट अवर न्यू कस्टमाइज पार्ट फॉर अवर नेक्स्ट मॉडिफिकेशन। तो हमारा जो आज का पार्सल है वो हमने सेम जगह से मंगवाया है जहाँ से हमने अपनी मीटर 350 की मॉडिफिकेशन की थी, फ्रॉम JD कस्टम। एंड दिस टाइम वी गेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम JD कस्टम। तो बिग थैंक्स टू JD कस्टम फॉर sending this amazing kit for my next modification. So again, thank you very much. आज के व्लॉग में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ अपने पार्सल की, एंड दिखाने वाला हूँ आपको फर्स्ट अपीयरेंस की मैं अपने नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा, जब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग नहीं आ जाता तो आपको ये गैस करना है कि जो अपनी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन होने वाली है वो किस बाइक पे होगी। एंड मेरा प्रीवियस व्लॉग है उसमें मैंने हिंट भी दी है कि अपनी कौन सी नेक्स्ट बाइक है वो मॉडिफाई होने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अपने जो लास्ट व्लॉग है वो किसने पूरे देखे हुए हैं। एंड आप मुझे कमेंट डाउन करना है कि अपनी जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो किस बाइक पे होगी। तो जिसका कमेंट राइट रहेगा मैं कमेंट पिन कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन पे। लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग ऑफ अ पार्सल एंड विल सी व्हाट वी हैव गॉट इन दिस बिग बॉक्स। तो गाइस, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अ लॉट ऑफ व्यूअर्स सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो मैं एंगेज रह पाऊंगा अपने चैनल पे इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। तो मेक श्योर प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग इट। सो चलिए जल्दी से इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक एक करके सभी पार्ट्स मैं धीरे धीरे निकालता हूँ बाहर एंड दिखाता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। सो इस बॉक्स को हम बाद में ओपन करते हैं, इसको साइड पर रखते हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं हमारे जो मेन पार्ट्स हैं वो किस तरह के आए हैं। दिस इज द फ्रंट फेंडर ऑफ अवर नेक्स्ट मॉडिफाइड बाइक। इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट लग रही है एज कम्पेयर टू जो हमने अपनी मीटर 350 में इंस्टॉल किया था। तो इसकी आप लुक देख पा रहे हो गे, एंड इसमें जो फिनिशिंग है इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। लास्ट टाइम थोड़े बहुत स्क्रैच मुझे देखने को मिले थे जो मैंने अपनी मीटर 350 में इंस्टॉल किए थे, बट नाउ दिस टाइम जो पेंट क्वालिटी चेक कर पा रहे होगे कितनी अच्छे से हुई है। इसको हम वापस से डाल देते हैं अंदर एंड इसको साइड पर रखते हैं एंड देखते हैं व्हाट वी हैव गॉट मोर। दिस इज़ द रेयर फेंडर। तो इसकी लुक आप देख पा रहे होगे, तो ये सेम जो हमने अपने मीटर 350 में इंस्टॉल किया है उसी तरह की इसकी सेम लुक है। तो आप चेक कर पा रहे होगे, तो अपने मीटर 350 में हमने सेम यही फेंडर इंस्टॉल किया हुआ है रेयर में। तो इसको भी हम साइड पर रखते हैं वापस है। तीसरी चीज़ को अनबॉक्स करते हैं जो कि हमारी रहने वाली है सीट। तो इस बार जो हमने सीट ऑर्डर की है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। एंड पैकिंग आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी की हुई है इस बार JD कस्टम वालों ने। तो पैकिंग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इस बार। ये रही सीट। तो ये सीट जो है ये थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो ये सीट है ये डबल रहने वाली है। इसके साथ जो रेयर सीट है वो भी कनेक्ट होगी इस बार। एज जो मैंने अपनी मीटर 350 में इंस्टॉल की है वो मैंने सोलो राइडिंग वाली सीट ऑर्डर की थी, बट जो हम नेक्स्ट मॉडिफाई करने वाले हैं बाइक उसमें हम ड्यूल सीट लगाने वाले हैं, जिसके साथ की रेयर फोल्डिंग सीट होने वाली है। तो इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा रेयर सीट का वो यहाँ पे अटैच होगी, वो भी बीच में ही पड़ी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड सीट का आप डिजाइन देख सकते हैं सेम जो मैंने अपनी मीटर 350 में इंस्टॉल की थी उसी तरह की है, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ वो मेरे फ्रेंड की बाइक ही करने वाला हूँ। तो उसने कहा था कि जो आप सीट इंस्टॉल करोगे वो सेम आपने जो अपनी बाइक में इंस्टॉल की है उसी तरह का डिजाइन करना, बट उसके साथ रेयर सीट भी होनी चाहिए। तो इसको साइड पर रखते हैं, मैं आपको इसकी जो रेयर सीट है वो भी दिखाता हूँ कि वो कैसी है। ये रही रेयर सीट, जिसको भी हमें असेंबल करना पड़ेगा फ्रंट वाली सीट के साथ, को भी मैं अनरैप करके दिखाता हूँ आपको जल्दी से। तो ये रहे सीट के स्क्रूज जो कि अटैच करेंगे हमारी रेयर सीट को फ्रंट सीट के साथ। रेयर सीट की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार हार्ड की हुई है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है, क्योंकि जो JD कस्टम वाले हैं वो पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करते हैं एज आप देख ही पा रहे होंगे।
तो गाइज ये रही हमारी रेयर सीट, तो ये आप देख सकते हैं ये सीट है, ये जो हमारी मेन सीट है उसके अंदर फोल्ड हो जाएगी। इसका डिजाइन भी आप देख सकते हैं सेम फ्रंट सीट की तरह ही है। तो जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में कि इसको मैं फ्रंट सीट के साथ कैसे अटैच करूंगा। एंड गाइज इस बार हमने जो एग्जॉस्ट है वो JD कस्टम से ही परचेज किया हुआ है, तो जो इस एग्जॉस्ट की बिल्ड क्वालिटी एंड इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। एंड ये एग्जॉस्ट फुल्ली स्टेनलेस स्टील है, तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में सुनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए इसको भी जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कि इसकी जो एग्जॉस्ट की शेप है वो कैसी है। सो जो लास्ट मॉडिफिकेशन मैंने अपने मीटर 350 में की थी उसमें मैंने ग्लोब का डॉल्फिन प्रीमियम एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया था। जो ये मैंने JD कस्टम से इस बार एग्जॉस्ट परचेज की है इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो अगर मुझे इस एग्जॉस्ट के बारे में पहले पता होता तो मैंने अपनी बाइक में यही वाला एग्जॉस्ट इंस्टॉल करना था। सो गाइज हियर इज अवर एग्जॉस्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे JD कस्टम की ब्रांडिंग भी हुई है, होप सो आपको दिख पा रही होगी। तो एग्जॉस्ट की क्वालिटी एंड इसकी शाइन आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छे से आ रही है। एंड एग्जॉस्ट का वेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा इसमें लग रहा है हमें, तो इसको भी रखते हैं साइड पे। एंड इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून रहना उसके लिए। एंड साथ ही में गाइस हमें कुछ एक्सटेंशन रॉड्स मिली हुई हैं फ्रंट एंड रियर फेंडर को इंस्टॉल करने के लिए, तो इसको हम बाद में ओपन करेंगे। एंड हमारा जो फर्स्ट बॉक्स मैंने आपको दिखाया था पहले, इसको भी अनरैप कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बड़ा हुआ है। तो गाइस इस बॉक्स में मुझे पहले लग रहा था कि इसमें एक्सेसरीज एंड सिक्योर रहने वाले हैं जो कि हमने पार्ट्स इंस्टॉल करने हैं, बट इसमें जो चीज़ पड़ी हुई है मैं दिखाता हूँ आपको क्या। तो ये रहा हमारा नंबर प्लेट होल्डर जो कि पीछे लगने वाला हमारी बाइक के रेयर टायर के साथ। एंड साथ ही में इस बार हमने टेल लाइट भी ऑर्डर की हुई है, तो ये JD कस्टम की ओरिजिनल टेल लाइट है, तो ये मैं आपको अनरैप करके दिखाता हूँ। तो इसकी लुक आप चेक कर पा रहे होगे, तो ये जब रात को ग्लो करेगी तो इसकी जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, हाथ में पकड़ने में ये प्रीमियम फील हो रहा है। तो ये जो टेल लाइट है ये इसी के साथ अटैच होगी यहाँ पे, तो इसका भी इंस्टॉलेशन मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, तो इसको भी साइड पर रख लेते हैं हम। सो गाइस दैट्स इट, ये सब चीज़ें थी इस बॉक्स में। तो JD कस्टम से मैक्सिमम हमने जो अपनी बाइक में चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो यही थी, तो होप करता हूँ कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं अपनी बाइक में क्या क्या इंस्टॉल करने वाला हूँ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में। होप आपको सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं अपनी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में कौन कौन से पार्ट्स इंस्टॉल करने वाला हूँ। मैं आपको जल्दी से फिर से बता देता हूँ कि अपनी बाइक में क्या क्या इंस्टॉल होगा। तो फर्स्टली आपको सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि हम अपनी बाइक में फ्रंट एंड रेयर फेंडर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो रेयर फेंडर लाइक हमारी मीटर 350 में हमने जो इंस्टॉल किया था उसी तरह का रहने वाला है, बट जो फ्रंट फेंडर है उसकी शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हमने जो अपनी मीटर 350 में इंस्टॉल किया था। एंड सेकेंडली इस बार हम जो सीट इंस्टॉल करेंगे वो हमारे ड्यूल सीट रहने वाली है जिसके साथ की रियर सीट फोल्डिंग वाली अटैच रहेगी। थर्ड चीज़ जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है टेल लाइट एंड नंबर प्लेट होल्डर जो हमने JD कस्टम से ही ली है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। जो वो टेल लाइट है उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी जो लाइट है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब वो इंस्टॉल करूंगा। बाकी यही सब चीज़ें थी इस बॉक्स में। एंड एक दो चीज़ें हैं वो भी मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा जब मुझे वो डिलीवर हो जाएंगी। इंडिकेटर्स एंड व्हील कवर भी मैंने ऑर्डर कर दिए हुए हैं, तो वो भी मुझे जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन दे दूँ सभी पार्ट्स का, बिकॉज अनबॉक्सिंग एंड मॉडिफिकेशन मैं एक ही ब्लॉग में दिखाता तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है एंड वो लोग पसंद भी नहीं करते देखना, इसलिए मैंने सोचा कि जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है वो मैं पहले एक डेडिकेटेड बना देता हूँ, देन उसके बाद जो मॉडिफिकेशन की वीडियो होगी वो डायरेक्टली हम सीधे अपनी बाइक में इंस्टॉल करते जाएंगे पार्ट्स एंड मैं आपको दिखाता जाऊँगा। सो गाइस दैट्स इट, यही था आज का व्लॉग। तो जो लोग भी अगर व्लॉग देख रहे हैं तो स्टे ट्यून रहना नेक्स्ट व्लॉग के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉग की प्रिपरेशन है वो मैं आज ही स्टार्ट करने वाला हूँ, मीन्स की जो इंस्टॉलेशन है वो मैं आज ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसका व्लॉग आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून रहना नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।